क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? आर नॉट व्हेन 5 MeV, 5 MeV क्या है? एनर्जी। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल नहीं, हिट कौन करता है न्यूक्लियस को? अल्फा पार्टिकल पर, यहां पर कौन है? प्रोटॉन। अप्रोच इज अ गोल्ड न्यूक्लियस, तो गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच करता है। तो रूल नंबर वन, आपको कोई फॉर्मूला नहीं करना, आपको आर नॉट निकालना है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था आज, 1/2 mv² इज 1/4 πε₀ q1 q2 r₀। q1 में क्या आएगा? जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? Ze, और प्रोटॉन के पास क्या चार्ज होता है? E। अगर अल्फा पार्टिकल हिट करता तो यहां पर क्या होता है? 2e। प्रोटॉन है तो यहां पर क्या आएगा? सिर्फ E। क्या स्टेप क्लियर है? तो ये इक्वेशन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें आर नॉट निकालना है। तो मान लेते हैं 1/2 mv² आपकी काइनेटिक एनर्जी है के, तो आर नॉट एक तरफ रखा, के को आर नॉट के साथ रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? के पुट कर दिया। एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर एम और वी तो गिवन नहीं, इसमें तो सीधी काइनेटिक एनर्जी ही गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो आपको इस क्वेश्चन में अब के एनर्जी क्या गिवन है? 5 MeV। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻³ से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई, तो किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आएगा। तो इसमें 1.6 × 10⁻³ में करेंगे तो जूल में आएगा। तो अब आपको इसमें के पता है, जेड कौन सा न्यूक्लियस है इसमें? गोल्ड न्यूक्लियस है। गोल्ड के लिए जेड बाई डिफॉल्ट क्या होता है? 79। ई आपको पता है, ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻¹⁹। जेड आपको पता है 1/4 πε₀ क्या होता है? 9 × 10⁹। और काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी, कैलकुलेशन बड़ी है, बट इन एनी केस मीटर के अंदर कुछ ऐसा आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का न्यूमेरिकल कैसे करना है? तो बेसिकली अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो जो भी वैल्यू मिसिंग होगी यहां से आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, इन गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है सेम, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्या निकालना है? आर नॉट निकालना है। न्यूक्लियस पे कौन हिट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है? 2e। और एनर्जी क्या है? 7.7 MeV। और वो रेस्ट पे आ जाता है एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। वैसे भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पार्टिकल जाते हैं और रेस्ट पे आके वापस ही आता है। इक्वेशन फिर से सेम, इसमें क्या निकालना है? फिर से आर नॉट, आर नॉट में 1/4 πε₀ Ze इंटू ई बाई के, अगेन के को नीचे ले आए। इस बार एनर्जी क्या गिवन है? 7.7 MeV, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई, जूल में आ गया। इसकी जगह 9 × 10⁻¹। Ze इसमें क्या है? गोल्ड है, तो 79। ई की वैल्यू हमें पता है, और यहां पर क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो यहां पर 2e आएगा। तो सॉल्व करके आपके पास डिस्टेंस इतने मीटर आएगा। एक चीज याद रखना, 10⁻¹⁵ मीटर एक फर्मी होता है, तो यहां पर 29.5 फर्मी मींस 30 फर्मी के आसपास आंसर मार्क करना है। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? ठीक सेम चीज है, बस आंसर मीटर में छोड़ना है, मीटर में छोड़ दो, पर अगर फर्मी में हुआ तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फर्मी में 10⁻¹⁵ मीटर एक फर्मी के इक्वल है। ठीक ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखें,
चले, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी गिवन, तो वी की वैल्यू गिवन है आपको इसमें, स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल Z79 गिवन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो गिवन है, इस बार आपको काइनेटिक एनर्जी ने गिवन। तो एक काम करेंगे इसमें, इसके अंदर 1/4 pi epsilon naught जेड ई इन टू, कौन इसको हिट कर रहे हैं, एल्फा पार्टिकल, 2e डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल टू 1/2 × m × v का स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर मुझे आर नॉट निकालना है तो आर नॉट एक तरफ, तो 1/4 pi epsilon naught जेड मीन 79e इंटू 2 × e डिवाइडेड बाय 1/2 × m × v का स्क्वायर। ऐसे इस क्वेश्चन में आपको ई चार्ज पता है, आपको रादर एक ई पुट करना चाहिए क्योंकि एक आपको डायरेक्ट चार्ज टू मास रेशियो गिवन है, चार्ज टू मास रेशियो, तो एक में चार्ज टू मास रेशियो पुट कर देनी है, एक में ई की वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी क्वेश्चन में आपको गिवन है, सॉल्व करके आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या इस क्वेश्चन में गिवन है और कैसे सॉल्व करना है। तो चार्ज टू मास रेशियो गिवन है तो ई बाई एम की रेशियो गिवन है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई स्क्वायर आएगा ना, तो ई स्क्वायर में दो बार लिख लें ई इंटू ई, तो एक ई बाई एम की तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन है और दूसरे ई को पुट कर ले 1.6 × 10⁻¹¹। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक कैलकुलेशन? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें इतने। नेक्स्ट है, एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी गिवन, तो इलेक्ट्रो वी पोटेंशियल गिवन है। देखो अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज है, 2e, क्यों पता है मुझे, चार्ज पता है अल्फा पार्टिकल पे, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था कि जो एनर्जी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो चार्ज की वैल्यू क्या है इसमें, 2e, और पोटेंशियल मेरे को गिवन है 2 × 10⁶, तो ये कितने जूल्स एनर्जी आ जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी जिससे कि अल्फा पार्टिकल को मूव करवाया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना अल्फा पार्टिकल वो वी पोटेंशियल लगाया जिससे कि वो मूव करेगी, तो अल्फा पार्टिकल अगर वी पोटेंशियल में मूव कर रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी कैसे मिल रही है, चार्ज इनटू पोटेंशियल से। तो सिल्वर फॉइल है, इस बार गोल्ड नहीं है, अटोमिक नंबर ऑफ सिल्वर गिवन है, जेड पता है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट टाइम ऑफ फॉलिंग इन द फॉइल, तो जब वो गिर रही तो काइनेटिक एनर्जी क्या, मैंने बता दिया चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी बनेगी इसमें, चार्ज कितना है 2 × प्रोटोन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹¹, 2e, और पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो इतने जूल की क्या है इसके पास काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ये कब है, जब ये अल्फा पार्टिकल दूर है, अभी न्यूक्लियस के पास नहीं है, अभी न्यूक्लियस के पास नहीं है, अभी दूर है, अभी टच नहीं किया, मींस का अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं आया, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी देके हमने उसको भेज दिया। अब होगा क्या, जब वो उस न्यूक्लियस के पास जा रहा होगा, देखो उसकी स्पीड कम 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 हो जाएगी और अल्टीमेटली रुक जाएगा, और सारी काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो अभी तो नहीं, अभी तो ये टोटल एनर्जी की बोल सकते हैं, पोटेंशियल तो अभी आई नहीं, अभी तो ये टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है यहां तक। अब वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालो कब, जब डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल का कितना है 5 × 10⁻¹⁴ मीटर, तो ये क्या है, ये सिल्वर है,
ये सिल्वर है। अब देखो उसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, उसने नहीं कहा, उसने कहा डिस्टेंस है, ये कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस है। क्योंकि अगर वो ये बोलता है कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, फिर तो मुझे पता था कि काइनेटिक पोटेंशियल के इक्वल है। तो अब ये डिस्टेंस कोई भी आर है, इस पॉइंट पर इसके पास काइनेटिक भी है और इस पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल भी है, क्योंकि अब ये इन्फ्लुएंस में आ गया न्यूक्लियस के, तो आर डिस्टेंस पे आ गया। तो अगर मैं ये पूछूं कि पोटेंशियल कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, इसके ऊपर चार्ज जेड ई अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2e डिवाइडेड बाई कितना आर। आपको इस क्वेश्चन में आर्बिट्ररी डिस्टेंस आर पता है, जेड आपको पता है 49, ई पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मीटर, ये किया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 2e बाई आर। तो सॉल्व करके आपके पास इतने जूल की क्या आ गई यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, तो क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल थोड़ी ना निकालनी है आपको आर डिस्टेंस पे, आपको तो काइनेटिक निकालनी है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, शुरू में आपने एनर्जी क्या दी थी, ये दी थी इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक, उस टाइम पोटेंशियल तो थी नहीं, तो एक तरीके से इसको टोटल एनर्जी मिली है। तो टोटल एनर्जी इतनी थी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस क्लोज आता जा रहा है काइनेटिक की वैल्यू कम होती जा रही है, पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, तो किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, तो उस इंस्टेंट पर काइनेटिक क्या होगी, इन दोनों को क्या कर लेना है माइनस, टोटल में से पोटेंशियल माइनस करेंगे तो बची क्या आएगी काइनेटिक। तो यही किया हुआ है इसमें, ये टोटल है ये पोटेंशियल है, तो ये क्या किया मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करके जो बची एनर्जी है उसका नाम क्या है काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। देखो लास्ट स्टेप ऐसा है कि आपको टोटल एनर्जी शुरू में गिवन है, इतनी इतनी एनर्जी हमने उसको दी थी, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, अभी ये किसी भी आर्बिट्री डिस्टेंस पे आर पे है और ये आगे आ रहा है। इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी आपने इसको दी थी शुरू में, वो दी है 6.4 × 10^-13 जूल दी है। इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकाल लें, तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर से निकाल के आ गई 4.3 × 10^-13 जूल। तो कह रहे कि इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या होगी, टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी काइनेटिक। तो वी निकालने का जरूरत की जरूरत नहीं ना, आप वहां पे पोटेंशियल निकाल दो, टोटल में से माइनस कर दो, बची हुई एनर्जी क्या आ जाएगी काइनेटिक। तो मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है वो तो हो ही जाएगा। कैलकुलेट इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 MeV पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 90 डिग्री। इंपैक्ट पैरामीटर का एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, ये गलत लिखा हुआ है कि क्या फॉर्मूला था, चेक करो प्लीज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई का स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ई, ऐसे है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ई पता है 5 MeV, तो 5 × 1.6 × 10^-13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जेड आपको पता है, ई आपको पता है, थीटा आपको पता है, 90/2 क्या हो जाएगा 45। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर मैंने फिर भी ये क्वेश्चन डाल दिया असाइनमेंट में, अगर आ जाए तो कम से कम फॉर्मूला कैसे यूज करना है बताओ।